खबर है छत्तीसगढ़ की, जहां दंतेवाड़ा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। मतदान की तिथि नजदीक आने के साथ अब जोड़ तोड़ की राजनीति भी तेज हो गई है। इसी सिलसिले में कांग्रेस ने भाजपा को पटकनी देते हुए 44 बीजेपी कार्यकर्ताओं को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। मंगलवार को कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर 44 भाजपा कार्यकर्ताओं ने और सीपीआई के 23 कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये सभी कार्यकर्ता कटे कल्याण ब्लॉक के गाटम गांव के निवासी हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सभी ग्रामीण भाजपा के कार्यकर्ता थे और अब भूपेश सरकार के कार्यों और कांग्रेस की रीति नीति से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हुए हैं। सभी लोगों ने कांग्रेस प्रत्याशी देवती महेंद्र कर्मा को जीत दिलाने का संकल्प लिया। किरुंदल ब्लॉक के दंतेवाड़ा उपचुनाव प्रभारी रेखचंद जैन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के साथियों में वह ताकत है जो पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का माझा रखती है। उन्होंने कहा कि घर घर जाकर मतदाताओं को अपने पक्ष में गोलबंद करने की आवश्यकता है। नगरीय निकास क्षेत्र प्रभारी मनीष श्रीवास्तव ने कहा कि महेंद्र कर्मा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए पार्टी को इस उपचुनाव में प्रचंड बहुमत से विजयी दिलाने भरासक प्रयास करना है। किरुंदल के बूथ अध्यक्ष व प्रभारियों को जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि मतदाताओं को वोटिंग कराने के लिए बूथों तक मतदाताओं को ले जाने के लिए बूथों में जिम्मेदारी सुनिश्चित कर कांग्रेस के पक्ष में अधिक से अधिक वोटिंग करें। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।